अस्सलाम वालेकुम ट्रेंड्स आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है पर्सपेक्टिव टूल। जो पर्सपेक्टिव टूल है उसको हम लोग पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा मैंने जो है ना एक पैकेज सा बनाया हुआ है, लेकिन जो है ना बस समझाने के लिए आपको मैंने ये चीज़ बनाई है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में हम लोग ऐसे डिज़ाइन नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत टचअप देकर मैंने इसको बनाया है ताकि आप क्लास देख के समझा सकूँ कि जो है ना पैकेज डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये इधर बटन आ रहा होगा, वीडियो के राइट साइड पर बटन आ रहा होगा, इधर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलें चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। आप लोगों को पर्सपेक्टिव टूल की मैंने क्लास बताई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था पर्सपेक्टिव टूल को कैसे कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यही उसका सेकेंड पोर्शन है कि आप पैकेजिंग डिज़ाइन में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि मैंने पैकेज ओवरऑल डिज़ाइन कर लिया है। इसका फ्रंट लेआउट है, ये इसका साइड वाला है, और ये जो है ना ऊपर वाला लेआउट है। इसको आप कैसे जो है ना इसको 3D पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट तरह ये पर्सपेक्टिव टूल को मैंने जो है इसकी सेटिंग्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ग्रिड्स ज़्यादा आ जाए, और ऑल्ट प्रेस करके इसको जो है ना मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास नीचे वाला पोर्शन सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको ओवरऑल सिलेक्शन करके इसको मैं इधर तक ले आऊँगा या इसको थोड़ा और नीचे ले आऊँगा। चलो इतना कर देते हैं। ओके, यहाँ तक मैंने ये पोर्शन कर लिया। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे कि इस पैकेज को हमने किस तरह इसको पेस्ट करना है। सबसे पहले इसको ओवरऑल सिलेक्शन करके मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा, या कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट की है। इसमें तो एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, इसमें यह है तो इसको भी कंट्रोल जी कर दूंगा। तो जब ये ग्रुप हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने जाना कैसे इसको ला के इधर आके पेस्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ना इसकी एक कॉपी ले लें, ऑल्ट प्रेस करेंगे और एक लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग इधर करेंगे तो ये कॉपी निकल आएगी। अदरवाइज आप जाना ओवरऑल सिलेक्शन करके कंट्रोल सी या कंट्रोल वी के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। कॉपी लेने का मकसद ये है कि जब आप एक बार इसको इधर पेस्ट कर देंगे तो आप जो है ना दोबारा इस शेप पे नहीं आ सकते। तो इस तरह से एक कॉपी ज़रूर लें कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको जो है ना ठीक कर सकें अपने पैकेज को। फर्ज करें ये वाला जो पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था ये ब्लू वाला पोर्शन है, तो मैंने इसको सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करूँगा और ब्लू वाला ही सिलेक्ट है तो इसको पकड़ के मैं ड्रैग कर दूँगा। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखें सेम टू सेम पोर्शन में आके इसने ओवरऑल ये सिलेक्ट हो गया। फिर मैं इसको ड्रैग करूँगा लिटिल बिट, इधर से भी ड्रैग करूँगा लिटिल बिट, तो ये हमारे पास ये चीज़ इस पोर्शन वाली सिलेक्ट हो गई। अभी नेक्स्ट पोर्शन हमने सेलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट पोर्शन पे मैं चला गया और ये वाला नेक्स्ट पोर्शन पे ला के इसको सेम टू सेम उसी की जगह पे रख दिया। अगर मैं चाहूँ इसकी एडजस्टमेंट करना वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ लिया, इसको लिटिल बिट नीचे कर दिया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के डबल क्लिक किया और इसको लेटर वेटिंग कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो साइड्स ऑटोमेटिकली आ गई हैं। इसको ऊपर वाली साइड्स जो मैंने ये चीज़ बनाई है इसको ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल आपने जो है ना नीचे वाली साइड क्लिक करनी है, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, उसके बाद आपने साइड सेलेक्ट करनी है किस साइड पर आप इसको रखना चाह रहे हैं। तो इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट इसी जगह पे आ गई है। अब इसको हमने साइज खुद पकड़ के इसको बड़ा करना है, साइज का पकड़ के मैंने बड़ा कर दिया, इसको भी लिटिल बिट इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया,
इसको इधर कर दिया, ओके हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ज़बरदस्त की शेप बना ली, और जो हमने पैकेज डिज़ाइन किया हुआ था, एक सिंपल सा पैकेज था जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था, वो हम किसी भी क्लाइंट को दिखाने के लिए, या जैसे कि हम लोग जो यूएई में यूज़ करते हैं, कोई भी क्लाइंट कहता है कि ये चीज़ दिखने में कैसी लगेगी, तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी कि आपने जस्ट इसको इस तरह यूटिलाइज करना है, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये ग्रिड कैसे खत्म करनी है, तो ग्रिड ख़त्म करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, जो ट्रेनिंग की मैं क्लास आपको दे रहा था, यार मुझे पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है और इधर कैंसिल कर देना है, तो आपकी ग्रिड ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ओवरऑल पैकेज डिज़ाइन हो गया है। इसको मैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों साइड दे दिए हैं। तो ये थी सिंपल सी क्लास पर्सपेक्टिव की। सेकंड ट्यूटोरियल में मैंने चाह रहा था कि ये चीज़ भी आपको समझाई जाए कि ना पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ का, या किसी भी प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव कैसे आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको इसी तरह के प्रोफेशनल ट्यूटोरियल मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जवाब यूनिट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।